स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब इंडक्टर जो है वो भी कैपेसिटर की तरह एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर में हमने स्टडी किया था कि एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही होती है। अब किस तरह से स्टोर होती है स्टूडेंट्स, इंडक्टर वाले टॉपिक को, सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक अगर आप रिकॉल करें तो उसकी कुछ अजम्पशंस ऐसी थी कि आपके पास एक कॉइल थी, उस कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ था बैटरी के साथ और स्विच के साथ। सो उस तरह की अरेंजमेंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ कि हमारे पास एक बैटरी है, उसके साथ एक स्विच कनेक्टेड है और साथ ही हमने कॉइल अटैच की हुई है। स्टूडेंट्स, जब स्टार्ट में स्विच क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है, तो इस अरेंजमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी इनिशियल करंट क्या है, जीरो है। आफ्टर सम टाइम हम जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इस कॉइल में से करंट पास करता है और फाइनल करंट क्या है, आई। अब जब करंट पास करता है यहाँ से, क्योंकि करंट चेंजिंग करंट यहाँ से पास हुआ है, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ है, और फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुई है। और ईएमएफ का जो रिलेशन है वो आपने प्रीवियस आर्टिकल में स्टडी किया था, ईएल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी वो रिलेशन शो कर रहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को। स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टेडी करंट को पास करवाने के लिए बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बैटरी को इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के इंड्यूस करंट के अगेंस्ट चार्जेस को मूव करवाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और वो जो वर्क डन है वो स्टोर होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड एज अ एनर्जी। सो इसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। Students, work done by the battery to move the charges against the induced EMF is given as W is equal to delta Q into EL. Battery delta Q charges के ऊपर काम कर रही है to move them against the induced EMF, और उसको हम इस relation से define करते हैं। और ये relation basically अगर आप recall करें तो starting के chapters में आपने ये relation पढ़ा था कि potential is equal to work done per unit charge। अब यहाँ जो पोटेंशियल है वो कौन सा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वर्क डब्ल्यू है, और जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो डेल्टा क्यू है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ईएल, वेयर ईएल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये रिलेशन आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था, ईएल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ से नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फाइंड करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को इक्वेशन वन में पुट करें। इक्वेशन वन में जब आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे इसकी जगह इसकी वैल्यू, W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई एल की जगह L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डेल्टा T को डेल्टा Q के नीचे शिफ्ट करते हैं। So W is equal to delta Q over delta T into L delta I। अब ये delta Q over delta T करंट है, कौन सा करंट, एवरेज करंट। स्टूडेंट्स, एवरेज करंट अगर देखें तो स्टार्ट में जब आपका स्विच ओपन था तो उस वक्त करंट था जीरो, लेकिन जब आपने स्विच को कनेक्ट किया तो उस वक्त करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। सो एवरेज करंट इज इक्वल टू जीरो प्लस I over 2, दिस इज इक्वल टू I over 2। अब चेंज इन करंट क्या है, चेंज इन करंट इज इक्वल टू फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अब फाइनल करंट है I, स्टार्ट में करंट था जीरो, सो डेल्टा I इज इक्वल टू I। अब इक्वेशन 4 और 5 में से ये वैल्यूज डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की और डेल्टा I की इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। सो W इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह वैल्यू पुट करेंगे I बाई 2, L as it is, डेल्टा I की जगह वैल्यू पुट करेंगे I, so W is equal to half L I square। अब स्टूडेंट्स, जब अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी पड़ी हो
तो हम उस बॉडी को मूव करें जब अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो वर्क अपीयर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो वर्क बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ चूंकि हम चार्जेस को मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये वर्क स्टोर हो जाएगा बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एम पोटेंशियल एनर्जी, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन ये रिलेशन हमें ये शो नहीं कर रहा कि एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है। सो ये फाइंड करने के लिए मजीद कुछ डेरिवेशंस करते हैं। अब इस रिलेशन में हम सबसे पहले एल की वैल्यू को पुट करेंगे और देन हम मजीद कुछ रिलेशन को यूज करते हुए करंट की वैल्यू को पुट करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्टूडेंट्स, L क्या है बेसिकली? ये है सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का आपके पास रिलेशन था L इज इक्वल टू एन फाई ओवर I। अब नेक्स्ट यहाँ फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए, और B क्या है? सोलनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आपने फाइंड की थी बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सो इक्वेशन 6 में से यहाँ आप B की वैल्यू पुट करें और फ्लक्स की वैल्यू जो आपके पास आई है इक्वेशन 8 में, उसे इक्वेशन नंबर 9 में पुट करें। आपकी न्यू इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे भी आई है, ऊपर यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू को पुट करके भी आई आया, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। एल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट एन ए। अब ये स्मॉल एन क्या है? दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट्स, n की वैल्यू को फाइंड करके आप इस क्वेश्चन नंबर 10 में जब पुट करेंगे तो आपका जो न्यू रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। अब इस l की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें, सो द एनर्जी स्टोर्ड विल बी यू एम इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसकी जगह ये इसकी वैल्यू, इंटू आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आई थी वो थी यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और उस एल की जगह हमने जब वैल्यू को पुट किया था, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को पुट किया था, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया था कुछ इस तरह से। अब हम आई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, और कहाँ से पुट करेंगे? वही मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो आपने सोलनाइड के लिए फाइंड किया था बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सो आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन यहाँ पुट करेंगे तो आपकी जो न्यू इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, जैसे एन स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपके पास बचेगा 1/2 ए एल बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। अब ये इस रिलेशन में ये जो एरिया टाइम्स लेंथ है ये बेसिकली क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोलेनाइड। ये रिलेशन शो कर रहा है कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहाँ हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है। अब नेक्स्ट आते हैं एनर्जी डेंसिटी की तरफ। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनाइड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू एम प्राइम से, एंड यू एम प्राइम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी का रिलेशन जो आपने यहाँ फाइंड किया है, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय एरिया टाइम्स लेंथ करें। एरिया टाइम्स लेंथ यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है, दैट इज यू एम प्राइम इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट।